वीडियो हम बात करेंगे लूम नेटवर्क के लूम कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 0.137 पर ट्रेड कर रहा, अभी इस कॉइन ने 1.5 वाला लेवल ट्राई किया। कल जो फ्लक्चुएशन देखने को मिली, BTC में डंप था, अल्ट्स कॉइन में डंप था, वहाँ पर इस कॉइन ने 0.088 वाला लो बना लिया था। और जैसा हम आपको प्रीवियस 8 to 10 days से बैक टू बैक इस कॉइन की अपडेटेड लेवल शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कॉइन 10 से नीचे जाएगा और वहाँ बाई करना है। बैक टू बैक हमने लेवल्स भी आपको शेयर किए, कल भी हमने एंट्री पॉइंट शेयर किया था, 7th को भी हमने एंट्री पॉइंट शेयर की थी, 5th को भी हमने एंट्री पॉइंट शेयर की थी, 3rd को भी, कि ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है। और आपने अगर वहाँ बाई किया होगा तो आपका टारगेट भी हिट हुआ, यानी बाइंग लेवल आपने लगा रखी होगी, तो बाइंग लेवल जो है वो हिट हुआ होगा कल, और अभी आपके टारगेट भी आज हिट हो गया, आपने क्विक प्रॉफिट 30-40% का जनरेट किया होगा। अभी इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, अगर एग्जिट नहीं हुए तो किस लेवल पर एग्जिट हो जाना है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंटली कॉइन 0.137 पर ट्रेड कर रहा है, कल इसने 0.088 वाला लो बनाया, वहाँ से अभी तक इस कॉइन ने जहाँ 1.5 वाला लेवल इस कॉइन ने हिट किया, 60% का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर के अंदर इस कॉइन ने 60% का मूव लिया। हमने आपको इस कॉइन का जब रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि ये जो 50 वाला लेवल हिट हुआ था, उससे पहले से हम इस कॉइन को सितंबर के मिड से इस कॉइन के रेगुलर अपडेटेड लेवल हम शेयर कर रहे हैं। 23rd of September से हम इस कॉइन के रेगुलर अपडेटेड लेवल शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको यहाँ 1-2 पर एग्जिट करवाया, फिर यहाँ पर 8.5 वाले लेवल पर एंट्री शेयर की, और फिर वहाँ से आपको रेगुलर अपडेटेड लेवल से इसकी कॉइन कहाँ तक जाएगा, क्या सिनारियो बन रहा, वीकली में क्या है, डेली में क्या है, फिर इस कॉइन की फ्यूचर्स में लिस्टिंग हुई तब भी हमने आपको शेयर किया, और फाइनली हमने इस कॉइन में 40 वाले लेवल पर आपको एग्जिट करवाया सेफ लेवल पर। ये है जो 40 वाले लेवल हमने फाइनली बताया था, ये था 15 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को, ये दो वीडियो थे उनमें हमने आपको बताया था। फिर डंप का भी अवेयर किया था कि ये कॉइन 0.20 से नीचे जाएगा, 20 से नीचे कहाँ जाता है वो देखना ज़रूरी रहेगा, लेकिन 20 तक तो जाएगा ही, उससे नीचे किस लेवल पर स्टेबिलिटी रहती है, तो आपको एंट्री नहीं लेना जल्दीबाजी में कि आप देख रहे हैं कि ये कॉइन 30 पर आ गया, 25 पर आ गया, 20 पर आ गया है तो हम बाय कर लें। और बहुत सारे लोगों ने गलती की, हमने वीडियो अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे, अभी रीसेंट वाला वीडियो ने कल का वीडियो आप जाकर देखेंगे और जो देख रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है अच्छा खासा, हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं, तो हमने अवेयर किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने ऊपर बाई किया था, उनको बता के रखा था कि जिनकी भी बाइंग 13, 14, 15 की है क्विक रिकवर हो जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था कि इस कॉइन को वीकली के अंदर एक अच्छा खासा लेवल सपोर्ट एरिया 0.10 वाला, और वीकली क्लोजिंग जो है पिछले 3 वीक की इसने 10 से ऊपर की, तो ऑलमोस्ट 10 से ऊपर ही मेंटेन रहेगा। हाँ, डेली में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, जिसमें 10 से नीचे प्राइस जा सकती है 0.095 या 0.09, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो हमने आपको जो सेफ एंट्री बताई थी, क्योंकि इसमें इस वीक का कंफर्मेशन और बाकी था कि ये इस वीक में और 0.10 से ऊपर मेंटेन रखे, तो हमें ऑलमोस्ट जो है कन्फर्मेशन हो जाएगी। फिर भी इसने 10.28 वाला जब लेवल कल ट्राई किया था, 10.80 वाला, तो भी हमने आपको बताया था, तो 3rd वाले वीडियो में, यानी कि 3rd of September वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस कॉइन में अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो आप इस कॉइन में 0.10 और 0.085 की बाइंग लगा दें। वहाँ आपने बाइंग लगाई होगी तो आपके टारगेट जो 0.13 और 0.14 हमने क्विक टारगेट बताए थे हिट हुए होंगे। सेकेंड, 5th को भी हमने वीडियो शेयर किया था, जहाँ पर यह कॉइन 0.114 पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 0.10 और 0.090 दो लेवल के आपको बाइंग लगा देनी, क्योंकि 10 से नीचे ही सेफ लेवल है और वहाँ आपको बाई करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि ये कॉइन डंप कर रहा है यहाँ से और कितना नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम सेफ लेवल शेयर करते हैं। 7th को वीडियो शेयर किया था, बहुत कमेंट आ रहे थे बहुत कि सर बाई कर ले, तो फिर हमने आपको बताया था कि आप 0.11 और 0.095 इन दो लेवल पर बाई कर लें, ये 1-1 वाली थोड़ी सी रिस्की एंट्री रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, सेकंड लेवल की बाइंग हमारी हो जाएगी, तो 60-40 के रेशियो में आपको वो लेवल बताया था। और कल भी हमने वीडियो शेयर किया था, वहाँ से इस कॉइन ने कल हिट कर दिया था, यानी कि
सेवंथ को हिट कर दिया था और मूव किया था। फिर कल भी हमने वीडियो शेयर किया था कि अगर ये कॉइन जिन्होंने एंट्री नहीं ली, कल ये कॉइन 0.118 पर था, हमने आपको बताया था जिन्होंने एंट्री नहीं ली है अगर वो एंट्री लेना चाहते हैं तो वापस 0.11 पर जब प्राइस आती है तब बाई कर सकते हैं। तो हमने कल भी आपको वीडियो शेयर किया था 0.11 वाले लेवल पर और 0.095 दो लेवल पर आपको 60/40 के रेशियो में बाई करना है। तो अगर आप देखें तो हम बार बार जो चीज़ें बता रहे हैं, बार बार आपको रेगुलर शेयर कर रहे हैं अपडेटेड लेवल्स, एंट्री पॉइंट लूम कॉइन का, पोली एक्स का, क्योंकि ये कॉइन में बहुत मूवमेंट हुआ था उसके बाद डंप पे हमने बार बार शेयर किया। पोली एक्स को भी बताया था 20 नीचे जाएगा, वो भी हिट हो गया। तो आप ये चीज़ें समझ नहीं रहे कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि BTC बुलिश है, BTC 37 को ट्राई किया है, अब तो अल्ट्स डाउन नहीं होंगे 38 को, लेकिन BTC के साथ साथ ये मूव नहीं कर रहा था, लेकिन BTC जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ इसने बड़ा डंप लिया। देखा आपने यहाँ 13 वाले लेवल से इस कॉइन ने 0.088 को हिट किया, बहुत सारे लोगों ने 13 पर बाई कर लिया होगा, 12 पर बाई कर लिया होगा, उनका कितना प्रॉफिट हुआ? वो अगर अभी एग्जिट हुए होंगे, वो फिर जब डंप हुआ तो हो सकता है वो लॉस में एग्जिट हो गए होंगे। ये चीज़ें जो है वो मुझे पता है कि जो नए ट्रेडर इन्वेस्टर आते हैं वो इसी टाइप की गलतियाँ करते हैं, और जिन्होंने लॉस में कल बाई किया था ऊपर, और जिन्होंने ये जो डंप में घबराहट में सेल किया हुआ 20% 10% जितने भी लॉस में, वो कमेंट करके बताया, और जिन्होंने हमारे जो लेवल हमने बताए थे वहाँ पर बाई किया हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके टारगेट हमने बताए थे 0.135 0.145 और पहले वाले वीडियो में बताया था 0.13 और 14। तो ये दोनों टारगेट आपके हिट हुए, आपने प्रॉफिट बुक किया। शॉर्ट टर्म में हमने 0.16 वाला लेवल बताया था, तो यहाँ से वापस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन में या डेली में इस लेवल से ऊपर मेंटेन रहता है, 11 से ऊपर डेली क्लोजिंग, डेली में 11 वाला सपोर्ट एरिया जिससे ऊपर ये मेंटेन है। अभी भले कल प्राइस गई थी लेकिन वापस मूव कर गया था, तो जो डेली क्लोजिंग है वो 12 से ऊपर हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल ये कॉइन 11 12 से ऊपर मेंटेन रहेगा, और शॉर्ट टर्म वालों का जो टारगेट है 16 वो हिट हो जाएगा आने वाले टाइम में वापस जब ये मूव करेगा। मतलब अब जो है इसमें प्राइस जो वापस 10 से 11 से नीचे नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस है। BTC वापस अगर गिरता है 34-33 पर आता है तो वापस 11 या 10 पर प्राइस आ सकती है। तो जिन्होंने बाई नहीं किया है अभी, जल्दीबाजी में बाई नहीं करना है, आप 11 और 10 या 0.095 की बाइंग लगा के रखें जब भी इस टाइप की फ्लक्चुएशन, क्योंकि BTC ऊपर वाले लेवल से भले 39,000 से 40 से रिजेक्ट होगा और ये कॉइन 13 पर है तो ये 10 पर आ जाएगा ईजीली। तो यहाँ पर अगर डेली के अंदर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.13 वाला रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से ये कॉइन अभी जिससे ऊपर ट्रेड कर रहा, अभी अगर डेली क्लोजिंग उससे ऊपर कर लेता है तो हो सकता है कि 16 एक दो दिन में ट्राई कर लें। और अभी जो एग्जिट नहीं हुए थे, जिनको क्विक एग्जिट पॉइंट बताए थे 0.135 145, वो एग्जिट नहीं हुए, एग्जिट हो जाना है आपको 0.135 पर 60% पार्ट से, और वापस ये इसमें फ्लक्चुएशन होगी तो ये 145 तक या 14 तक ट्राई कर सकता है, तो आप 0.145 के लिए बाकी 40% पार्ट बचा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले 16 का टारगेट रखें अगर आप वेट कर सकते हैं 10-12 डेज 15 डेज या 1 मंथ का। इसके अलावा जिन्होंने बाई नहीं किया, जल्दीबाजी में बाई नहीं करना है, और जो रेगुलर सिग्नल्स चाहते हैं स्पोर्ट के, फ्यूचर्स के, जिनको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना रेगुलर और हमारी 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कौन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।